मेरा नाम रौनित जी और मेरा वेट है 64, हाइट 6 फीट जी, और मैंने मसल गेनिंग करनी है आर सिकिंग माह से। इसके साथ बिल मिला है मेरे को साथ में, और सप्लीमेंट्स वेला पे ओरिजिनल मिलते हैं सब चीज़। आपकी वीडियोस देख देख के अच्छी बढ़िया लगा, और पूरा गाइड करते हो अच्छी तरह आप, मेरे बॉडी के हिसाब से क्या बेटर रहेगा उसके हिसाब से गाइड करा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक इन्फॉर्मेशन जो आप पूछते हैं। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं रौनित जी, जो कि स्पेशली आए हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने के लिए सप्लीमेंट विला पर। बट आपको नहीं आना, क्यों नहीं आना? क्योंकि भाई मेरे लोकल एरिया से ही हैं और इसलिए भाई आ गए हैं। दोस्तों अभी लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, अलग अलग जगह गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइंस है, तो आपको फॉलो करनी है, अभी विजिट नहीं करें, बट मंगा सकते हैं, कोरियर सर्विस स्टार्ट है सप्लीमेंट विला की। तो रौनित यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या उन्होंने लिया है? रौनित की बॉडी तो आप देख ही रहे हो, एक्टोमॉर्फ बॉडी है भाई की, स्किनी बॉडी है। तो अब हम जानेंगे इन्होंने क्या लिया है। आपको भी हेल्प मिलेगी इससे, इस वीडियो से, कि आपको भी अगर रौनित की तरह बॉडी गोल है, रौनित की तरह अगर आपकी बॉडी है, तो आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो रौनित से हम जानते हैं क्या एज है, क्या हाइट है, वेट है, क्या लिया है इन्होंने। तो रौनित, मेरा नाम रौनित जी और मेरा वेट है 64, हाइट 6 फीट जी, और मैंने मसल गेनिंग करनी है जी, और मैंने लिया आर सिकिंग मास। तो रौनित दिखाइए एक बार, ये आर सिकिंग मास है। इसके साथ बिल मिला है मेरे को साथ में, और सप्लीमेंट्स विला पे ओरिजिनल मिलते हैं सब चीज़। भैया पता कैसे लगा सप्लीमेंट विला का? आपकी वीडियोस देख देख के अच्छी बढ़िया बढ़िया लगा, और पूरा गाइड करते हो अच्छी तरह आप, अच्छा लगा इसके लिए। तो रौनित मतलब जितने भी क्वेश्चन आंसर आपने पूछे मेरे से सब शॉर्ट आउट हुए ना आपके? हाँ, सब बढ़िया हुआ। और रौनित एक चीज बताओ मुझे कि तुमने आरसी किंग मास ही क्यों सिलेक्ट किया, इसको मतलब लबराडा क्यों नहीं लिया, डायमंडाइज क्यों नहीं लिया? एक इसके रिव्यूज अच्छे हैं उल्टा, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वैसे आपने अच्छा बताया इसके बारे में, मेरे बॉडी के हिसाब से क्या बेटर रहेगा उसके हिसाब से गाइड करा, तो इसीलिए जी। और रौनित आपको वजन मतलब कितना इंक्रीज करना है, वेट पे आपका फोकस है या फिर मसल साइज पे? मेरा मसल साइज पे फोकस है। तो दोस्तों आपने सुना कि रौनित की बॉडी जैसे स्किनी है, 64 इनका वेट है और हाइट है 6 फुट, तो इस वाली कंडीशन में इनको क्या है कि मसल साइज भी गेन करना है। थोड़ा थोड़ा इन्होंने मेरे से बोला था कि भैया वेट बढ़ता रहे मेरा, तो आरसी किंग मास मैंने जो है इनको सजेस्ट किया है, और आरसी किंग मास हैवी बेस्ट ऑप्शन अगर आपकी बॉडी भी स्किनी है और आपको मसल साइज पे फोकस ज़्यादा रखना है, वेट पे कम रखना है। क्योंकि दोस्तों आरसी किंग मास की अगर हम यहाँ पर सप्लीमेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो सर्विंग साइज़ है वो है 2 स्कूप 125 ग्राम की, टोटल सर्विंग है इसमें आपकी 22, अगर आप 2 स्कूप की लेते हैं, जिसमें आपको कैलरीज 510, टोटल फैट सिर्फ 1.5 ग्राम मिलेगा। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स 93 ग्राम्स हैं, जो कि वेट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर शुगर हम रौनित से ही पूछते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी, कहते हैं कि यार मास गेनर में सिर्फ शुगर रहती है, वेस्टेज ऑफ मनी है, नहीं लेना चाहिए। हम पूछते हैं रौनित से, रौनित कितनी शुगर है एक बार बताना आप ही। शुगर इसमें है भैया 11 ग्राम, 11 ग्राम की शुगर है दोस्तों, मतलब 11 ग्राम यार 125 ग्राम की सर्विंग में 11 ग्राम अगर शुगर नहीं होगी ना, तो इसको खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा। इसके अलावा प्रोटीन की बात कर लेते हैं, रौनित प्रोटीन कितना एक बार बताना पड़ेगा? प्रोटीन है भैया इसमें 30 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन मतलब जी बिल्कुल दोस्तों, भर के प्रोटीन मिल रहा है, मसल साइज गेन होगा ही होगा। इसके अलावा अगर प्रोटीन की फॉर्म की बात करें, तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और कैसीन प्रोटीन का ब्लेंड मिलेगा, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी मिलेगा यहां पर, जो कि मसल्स को हाइड्रेट रखेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और दोस्तों मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास आरसी किंग मास। अगर प्राइस की बात करते हैं, तो जीएमसी ऑथराइज इंपोर्टर हैं, जिन्होंने एमआरपी दिया हुआ है 4,999, बट सप्लीमेंट विला पर इसका सेलिंग प्राइस है अभी 3,850। दोस्तों कुछ प्राइस हाइक हुए हैं आरसी के, और मे बी फ्यूचर में और इंक्रीज होने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि यूएसए में आपको बताइए कोरोना का क्या हाल है, तो वहां से इंपोर्ट अभी बंद है, तो इंपोर्टर्स के हाथ में है, जब तक उनके पास स्टॉक रहेगा और जिस हिसाब से डिमांड रहेगी उस हिसाब से प्राइस ऊपर जाते ही रहेंगे इनके। तो अभी आप ले सकते हैं इसको 3,850 का, 100% ओरिजिनल मिला है रौनित को विद जीएसटी बिल, और हमेशा ही ओरिजिनल मिलता है सप्लीमेंट विला पर, ये आपको पता ही है। तो ये रहा जीएसटी बिल, जो कि लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप काफ़ी बार कहते हैं कि सर जीएसटी बिल लेने का क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बता दूं, बिना जीएसटी के आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों यूएसए से प्रोडक्ट आ रहा है, वहाँ से सारी ड्यूटीज़ टैक्सेस वगैरह सब क्लियर होते हैं, तो जीएसटी के बिना ओरिजिनल इम्पॉसिबल है, ग्रे सप्लीमेंट से आप दूर रहें। और दोस्तों रौनित ने नो डाउट इसके ऊपर कुछ टैक्स भी पे किया है,
यार, क्योंकि 18% जीएसटी है तो इस पे ऑलमोस्ट आपका जो है 500-550 रुपए का टैक्स है। मैं रोनित से पूछता हूँ, रोनित ने टैक्स पे कर दिया, अगर इस टैक्स को बचा लेते तो भाई क्या कर लेते भाई, गाड़ी कोई बंगला कुछ ले लेते, क्या हो जाता? क्योंकि फेक माफिया यही कहता है कि यार आपके 500 रुपए बच जाएंगे, आपके 600 रुपए बच जाएंगे, क्यों देना टैक्स आपको? तो मैं पूछता हूँ एक बार रोनित से, रोनित बताओ अगर बचाते तो क्या होगा? कुछ भी ना होता, फेक सप्लीमेंट मिल जाता, कुछ पैसे वो और किसी और चीज़ में ले लेते दादा हमारे। रोनित क्या सलाह देना चाहोगे सबको? लेने चाहिए बिल, लेना चाहिए इनवॉइस, और आप जीएसटी देने चाहिए ताकि सप्लीमेंट्स अच्छे मिलें, फेक ना हो, ओरिजिनल हो जी। सब चीज़ अगर कभी इन फ्यूचर कुछ चीज़ होती है तो हम बिल दिखा के उनको बता सकते हैं जी। तो दोस्तों रोनित ने देखो आपको कितनी अच्छी सलाह दी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा रोनित को कि रोनित इतना अच्छा एडवाइस कर रहे हैं हम सबको। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्लेंट करनी होती है, तो जीएसटी बिल है आपके पास, आप कहीं भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ओरिजिनल लें विद जीएसटी बिल। और जीएसटी बिल इस टाइप का होता है, आप देख लीजिए, सप्लीमेंट मिला का जीएसटी बिल है जिसके ऊपर जीएसटी नंबर, एफएसएसए लाइसेंस नंबर, स्टैम्प, सिग्नेचर, कितना टैक्स पे किया है, सारी चीज़ें यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। आप काफ़ी बार मेरे पास पिक्चर भेजते हैं कि सर मैंने ये सप्लीमेंट वहाँ से लिया है और ये पर्ची मुझे दे दी है, तो दोस्तों वो पर्ची बिल नहीं होती, बिल जीएसटी वगैरह सारे चीज़ इस पर लिखी रहती है। और ये जीएसटी नंबर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि भैया एक्टिव है भी है नहीं है। तो दोस्तों ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए विद जीएसटी बिल लीजिए, और सप्लीमेंट विला को याद रखिए हमेशा ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए, हमेशा ही ओरिजिनल विद जीएसटी बिल, करंट डिमोरोटेक फ्रेश लॉट के साथ कोरियर सर्विस स्टार्ट है ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों प्राइस है 3850, बेस्ट है अगर आपको मसल साइज गेन करना है और आपको वेट भी बढ़ाना है, आर सी किंग मास। दोस्तों रोनित ने वीडियो बनवाई, इसके लिए मैं रोनित का धन्यवाद करूंगा और हमको गाइड भी किया, एडवाइस भी किया, रोनित बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ। फेक माफिया से बचिए और सप्लीमेंट विला को याद रखिए। नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।